हेलो गाइस, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया। तो आज का वीडियो ये है कि आज मैं मतलब यहाँ से घनसौर से जा रहा हूँ ट्रेन जा रहा, तो अपने गणपति पापा की मूर्ति लेके जा रहा हूँ। तो गाइस तो चलते हैं आखिर तक, तो अभी चलो मिलते हैं अभी सीधे रास्ते पे। तो फाइनली गाइस अभी हम निकल चुके हैं मतलब ट्रेन के लिए, तो मूर्ति लेने का। तो ये मेरे पापा है, पापा इकड़ा है, ये मेरे पापा मतलब बहुत सीरियस है। और ये मेरा अंकल है, गणपति का डेकोरेशन मतलब मूर्ति सब बनाते हैं, ये आर्टिस्ट है वो। हाय हाय, इधर का। तो अभी हम निकल गए इधर से अभी घनसौरी से। तो अभी मैं पूरा आपको सफर दिखाऊंगा कि हम किस तरह जा रहे हैं, वहाँ पे कितने सारे मूर्ति है, तो मैं आपको सब दिखाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं। अभी आप देख सकते हैं मुझे अभी मतलब बारिश रुका है कम से कम 15-20 मिनट से कंटिन्यू रुका है, तो अच्छी बात है कि बारिश रुका है अब तक। सारे बादल है मतलब। फाइनली गाइस अभी हम आ गए पेन में, तो अभी मैं आपको एक कारखाना दिखा रहा हूँ। देखो मतलब यहाँ से मतलब शुरुआत हो चुकी है मतलब कारखाने के। देखो गणपति, इतनी सारी गणपति बप्पा की मूर्ति है। तो अभी मतलब हमारा जो बेचन के, तो अभी हम उन्हें तो फाइनली गाइस अभी हम आ गए मतलब पेन के अंदर। तो अभी मैं अभी जा रहा हूँ कारखाने में, तो अभी मैं अभी आपको एक से एक मूर्ति, अच्छे मूर्ति दिखाऊंगा गणपति पापा की। तो आप देख सकते हैं मतलब यहाँ पे मतलब सूरत हो गई मतलब कारखाने की, तो गणपति पापा यहाँ पे बनाते हैं मतलब पनेल में, पेन में सॉरी, सबसे बड़ा यही इधर मतलब कारखाने गणपति पापा बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने इधर आपको एक स्टॉल दिख रही है, यहाँ पे कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ दिख रही है। देखो यहाँ पे पोस्टर भी लगा है, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब हर एक जगह पे मतलब गणपति बप्पा का ये स्टॉल है। फाइनली गाइस मतलब मैं अभी आ गया पेन में, तो आपको मैं इधर देवी भी है इधर बहुत सारी है। तो और गणपति बप्पा अब यहाँ पे गाइस कारखाना इतना बड़ा है गणपति बप्पा का, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो चलो फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो कितना बड़ा कारखाना है, बहुत बड़ा कारखाना है इधर।
इक्विपमेंट। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कितनी कितनी सारी मूर्तियाँ हैं इधर। तो ये देखो छोटी सी एक मूर्ति इधर चिंतामणि की, कितनी सारी मूर्तियाँ आप देख सकते हो यहाँ पे। मतलब जो पेन में सबसे बड़ा कारखाना है ये, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी मूर्तियाँ है। ये देखो ये मुझे दो कलर की है, मतलब इसके ऊपर प्लास्टिक का थैला डाला है, मतलब बारिश का इधर लीकेज है इसकी वजह से। ये देखो यहाँ पे मैं आपको बोला था ना यहाँ पे बहुत सारे देवी की मूर्ति है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों को। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब कितना बड़ा कारखाना है। देखो यहाँ पे साँचा है, मतलब अपना जो गणपति बनाते हैं उसका साँचा रहता है, तो साँचे में मतलब ये गणपति बनाते हैं। तो गणपति बनाने के लिए देखो यहाँ पे कितनी सारी मटेरियल्स है गणपति बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे मूर्ति है सब, आप यहाँ पे मतलब ये साइड मतलब सब देवी है, देवी मतलब गरबा आएगा तो यहाँ से सब हम लोग मूर्ति लेके जाएंगे। तो यहाँ पे चल रहा है, तो अभी जो और दिखाता हूँ आपको मैं। बारिश चल, तो यहाँ पे मतलब अरे हाँ यहाँ पे बुलबुल गाना ही ना लगा के ये कर रहे काम कर रहे। तो वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ काम कर रहे हैं, नहीं बोल रही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। ये तो समझे गणपति बनने को कितना टाइम लगता है ऐसा कैसे, खाली मतलब 10-15 मिनट लगता है गाइस। जब तो देख सकता हूँ उनकी कला कितनी बड़ी है, मतलब 10-15 मिनट में मतलब पूरा गणपति बना दे रहे। यहाँ पे कितने सारे गणपति आप देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब मैं आपको और कारखाना दिखाऊंगा, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्ति। चलो फिर आगे के कारखाने में। तो फाइनली गाइस मैं अभी आ गया इधर, तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि हाँ कसा पण सांगा ते मस्त काय नाही। आता मी म्हणजे मराठी जे मराठीमध्ये बनवलं फक्त मराठी लोक बघतील, हिंदीमध्ये बनवलं तर कशी सगळी लोक बघतील ना, सगळ्यांना प्रत्येकाला हिंदी समजते त्याच्यामुळे हिंदीमध्ये बनवतो। तो फायनली गाइस मी जर आ गया, तो अभी आपल्याला एकदम गणपती वगैरे इन्फॉर्मेशन देईल, तर जरा सांगता कसे म्हणजे काय कसं बनवतो तुम्ही गणपती। मी महेंद्र म्हात्रे। हाँ मी महेंद्र म्हात्रे। ये अपना काम करने के लिए अभी 10 साल हो गए, ये अपना प्लास्टर का थोड़ा पानी डालने का, इसके बाद प्लास्टर डालने का और ये ऐसा घिलाने का, ये 10-15 मिनट में इधर गणपति तैयार होता है। देख रहे हो गाइस मतलब कितना इजी ये, मतलब ये इनके पास एक्सपीरियंस है। 4-5 हज़ार गणपति निकल रहे गाइस, सोच सकते 4-5 हज़ार गणपति मतलब बना रहे इधर लोग। इनके आर्ट जो कितने अच्छे है और कलर, 100 आदमी है इधर। देखो गाइस 100 आदमी इधर काम करने के लिए, अभी कम से कम मार्च जनवरी महीने से चालू होता है, लास्ट एंडिंग तक जाता है। हाँ उसके बाद नवरत्न चालू होगा, देवी का मूर्ति निकालने का। कंपनी का नाम है सुरेखा आर्ट डाबड़े बंधु। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो कमेंट करके जरूर बताना। गाइस मैं अभी और आपको मूर्ति दिखाने जा रहा हूँ आगे, मतलब आगे और कारखाने। तो चलो फिर गाइस, तो आगे कारखाने में जा रहा हूँ मैं। गाइस फिक्स बताना वीडियो कैसे लगी आपको कैसे नहीं, तो मैं अभी और आगे जा रहा हूँ। तो चलो फिर आगे कारखाने में मिलते। तो फाइनली गाइस मैं आपको बोला था कि मैं दूसरे कारखाने में जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं अभी आ गया दूसरे कारखाने में। मतलब बहुत सारे इंसान मूर्ति बनाने को आते काम करते हैं। मैं साँचा दिखाता हूँ, देखो इसका साँचा, इधर एक साँचा। तो ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे मतलब साँचा है पूरा, तो साँचे में ये देखो ये मेरे ख्याल से लालबाग के राजा का जो मतलब अपना इससे 2020 का लालबाग का राजा था, तो वो वाला मूर्ति का यहाँ पे इसका साँचा है। ये एक मूर्ति आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे बहुत सारी मूर्ति है अच्छी खूबसूरत सुंदर।
मूर्ति, ये सब मूर्ति यहाँ पे मतलब बनाई जाती है। तो 15-20 मिनट में मूर्ति बनाई जा रही है गाइस, सोच सकते हो आप कितनी सुंदर बना रहे हैं। तो गाइस अभी आ गया हम लोग। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए, तुम लास्ट में बता रहे सब लोग ऐसे स्टार्टिंग में बता देना कि ये भाई इसके चैनल को लाइक करो, ये करो मेरे चैनल को। तो गाइस ये सबसे लास्ट में बता, क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी तभी आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर बताना। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। तो हाय गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे को वीडियो अच्छी लगी रहेगी या बुरी लगी रहेगी। तो वीडियो में कुछ भी मिस्टेक रहेगा तो बता दो, मतलब इससे आगे वाली इससे वीडियो में और अच्छी ये करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।